कुमाऊनी व्यंजन सरल पौष्टिक होते हैं जो हिमालय के पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं, साथ ही साथ स्थानीय रूप से उत्पादित और आसानी से उपलब्ध होते हैं। भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जिसमें शुद्ध खाना बनाया जाता है, त्योहार हो या शुभ अवसर या फिर पितरों के लिए शुद्ध भोजन। आज हम ऐसा व्यंजन तैयार करेंगे जो लाजवाब के साथ साथ पौष्टिक भी है। उत्तराखंड के मानस खंड में भांग के बीजों से, जिसमें नशा बिल्कुल भी नहीं होता है, बनाने का प्रचलन काफी प्राचीन है। पहले भांग के बीज को साफ करके तवे में लो फ्लेम में इसे भून लेंगे। बीज जब चटकने लगे तो समझ लीजिए बीज भूनकर तैयार हो गया है। ठंडा होने पर इसमें नमक, लाल हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, अमचूर पाउडर, नींबू का रस और थोड़ा पानी मिला के बारीक पीस लेंगे। प्रोटीन से भरपूर भांग के बीजों से चटनी, नमक, सब्जी की तरी व अन्य प्रकार के व्यंजनों में प्रयोग करते हैं। खाने में तो टेस्टी होता है, साथ ही साथ जड़ी बूटी के समान स्वास्थ्य वर्धक भी है। यहाँ पर इसकी चटनी, पूरी, पराठा, चावल के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। कुमाऊनी रायता कुछ अलग और अनोखा होता है। यहाँ बारीक राई के बीज को पीस कर रायते में डाला जाता है। राई को पीसने के बाद पानी डालने पर कुछ इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। उत्तराखंड में ज्यादातर पीले खीरे का रायता पसंद किया जाता है। खीरे के बाहर के लेयर को छील लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। पीले खीरे में बीज मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए इसको अलग कर लेंगे। कद्दूकस किया हुआ खीरा निचोड़ कर दही में डाल लेंगे। अब इसमें पिसी हुई राई, कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी और मिर्च पाउडर, हरा धनिया, स्वादानुसार नमक मिक्स करेंगे। आप इसमें पिसा हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। खाने में मजेदार, यहाँ पर इसे पूरी और चावल के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। रायते में जो राई हमने पीस कर डाली थी, इसका तेज हमें महसूस होता है जो खाने के जायके को और ज्यादा बढ़ा देता है। उत्तराखंड की मिक्स पहाड़ी दाल, यहाँ का खान पान, खासकर दालें बहुत ज्यादा टेस्टी और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं, विशेषकर मोटी दाल। मगर आज हम श्राद्ध या पूजा के प्रयोग में किए जाने वाले व्यंजनों को ध्यान में रखते हुए दालों का चयन करेंगे। ये गंधरायनी एक औषधि जड़ी बूटी है। इसका उपयोग उत्तराखंड में व्यंजनों में सब्जियों और दालों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये सुगंधित गंधरायनी भूख तो बढ़ाती है, साथ ही साथ पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग यहाँ करते हैं। गंधरायनी और अदरक को अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ पर एक रात पहले भिगोए हुए मोटे दाल, जिसमें राजमा, उड़द, तुहर, काला चना, ग्रेवी को लटपटा या थिक करने के लिए थोड़ा अरहर और चना दाल को मिक्स करके धोकर साफ करने के बाद कुकर में डालकर इसमें कुटा हुआ गंधरायनी और अदरक, दाल में पानी, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, नमक और घी डालेंगे। घी डालने से स्वाद तो बढ़ता है, साथ ही साथ कुकर से बाहर पानी नहीं निकलता है। गलने तक दाल को पका लेंगे। दाल तैयार है। थोड़े दाल को इस तरह से फेंट लेंगे ताकि दाल लटपटी हो जाए। अब तड़के की तैयारी। घी गरम करेंगे। सूखी लाल मिर्च, लाल मिर्च फ्राई होते ही इसे अलग निकालेंगे, हम इसका उपयोग बाद में करेंगे। इसी घी में हींग और जीरा डालेंगे और ये एक प्राकृतिक जड़ी बूटी सेक्वा, जो कि बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। जब इसका तड़का लगता है तो दूर दूर तक इसकी खुशबू जाती है। सूखी लाल मिर्च, दाल तैयार है। तो लीजिए, स्वास्थ्यवर्धक और हेल्दी दाल बनकर तैयार हो गई है। आसान व्यंजनों में से एक मिक्स सब्जी, जो विशेष रूप से त्योहारों, व्रत और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो उत्तराखंड में प्रमुख व्यंजनों में से एक है। बिना प्याज, लहसुन, टमाटर के लटपटी टेस्टी मिक्स सब्जी सबको पसंद आएगी। ये है अरबी के पत्ते। सॉफ्ट अरबी के पत्ते और इसके स्टेम के ऊपरी सतह को छील कर
मिक्स वेज में यूज किया जाता है, जिसे उत्तराखंड में गावा कहते हैं। मिक्स सब्जी में तोरई, लौकी, कद्दू, आलू, शिमला मिर्च, बीन्स, पत्ता गोभी, मूली और अरबी के पत्ते लिए हैं। पहले धनिया, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक में पानी डालकर मसाले का घोल तैयार कर लेंगे। मोटी तले वाली कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करके जीरा, हींग, तेजपत्ता, मेथी दाना फ्राई करेंगे। भिगोया हुआ मसाला डालेंगे। बिना लहसुन प्याज के मसाला जल्दी भुन जाता है, इसलिए मसाले को बिना जलाए सारी सब्जी धीरे धीरे डालेंगे और कड़छी की सहायता से फुल फ्लेम में 2 से 3 मिनट सब्जी को भूनेंगे। जब सब्जी अच्छे से भुन जाए तो फ्लेम लो करके सब्जी को ढककर पकाएंगे। लटपटी चटपटी सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये मिक्स सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। आप इसे पूरी, पराठे या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्लेम टर्न ऑफ कर लेंगे। फाइनली हरा धनिया डाल के सर्व कीजिए। पूजा पाठ, शुभ अवसरों से लेकर पितरों के लिए बनाया हुआ खीर का प्रसाद भारत क्या दुनिया में भी प्रचलित है। मलाईदार रबड़ीदार खीर के लिए विशेष प्रकार के मोटे चावल लिए हैं, जो उत्तराखंड में मिलते हैं। ये दिखने में मोटे जरूर हैं, पर बनने के बाद बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट हैं। दूध को उबाल लेंगे। दूध उबलते ही इसमें धोए हुए चावल को डाल देंगे और धीमी आंच में तब तक पकाएंगे जब तक ये दूध आधा से आधा ना हो जाए। खीर तो सबसे आसान रेसिपीज में से एक है, लेकिन इसके लिए मलाईदार दूध और अच्छे चावल का होना जरूरी है। इसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। चावल की खीर भारतीय खानपान ही नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक संस्कृति का भी बहुत अहम हिस्सा है। और अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स। खीर बनके तैयार हो गई है। अब इसे ठंडा सर्व करें या गर्म, खीर तो खीर है, हर हाल में बेमिसाल। उड़द दाल के बड़े, जो सभी छोटे बड़े अवसरों में बनाया जाता है, भिगोया हुआ उड़द की दाल गंदरानी के साथ पीस लेते हैं, जो पाचन में सहायक है। इस पारंपरिक व्यंजन का स्वाद दुगना करने के लिए भिगोया हुआ उड़द की दाल को पत्थर के सिलबट्टे में पीस लेंगे, जो एक यूनिक टेस्ट देता है। दाल को दरदरा पीसेंगे कुछ इस तरह। अब पिसी हुई दाल में लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ में पानी लगाकर इस तरह बड़े का शेप आकार देंगे। पहले से गर्म किए हुए तेल में बड़े को एक एक करके डाल के डीप फ्राई करेंगे और सुनहरा होने तक इसे तलेंगे। उत्तराखंड में बड़े के लिए दाल को ज्यादा महीन नहीं पीसा जाता है, दरदरा पीसा जाता है। दरदरा पीसा हुआ दाल के बड़े खाने में क्रिस्पी और कुरकुरे होते हैं। इसी तरह सभी बड़े तल लेंगे, साथ ही साथ पूड़ी भी। तो चलिए उत्तराखंड की विशेष व्यंजन की थाली सजाते हैं, जिसे उत्तराखंड में विशेष अवसर पे बनाते हैं। आपको ये वीडियो और रेसिपीज पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।